अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज योर बॉय मुस्तफा एंड वेलकम टू द चैनल। सो बॉयज एंड गर्ल्स, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम करने वाले हैं आस्किंग रैंडम पीपल अबाउट यंग स्टैंडर्स। लेकिन हम इस शहर में नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लोग मुझे पहचान रहे हैं कि ये वही लड़का है जो एमसी स्टैंड के बारे में हमसे पूछ रहा था। तो इस वीडियो के लिए हम जाएंगे इस्लामाबाद और वहाँ पर लोगों से पूछेंगे। तो अभी इस्लामाबाद चलते हैं। आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी। माफ करो पठान, आज वो आई है कि नहीं आई? अभी तक तो नहीं आई। ऐसा शख्स जिससे आपने उम्मीद लगाई हो और बेपनाह उम्मीद लगाई और वो ना आया, तो कोई मैसेज कुछ भी? आजकल ऐसे लोग मिलते नहीं हो, मार्केट में शॉर्ट है, कोई किसी का इंतजार नहीं करता। अच्छा, मतलब आप किसी का इंतजार नहीं है? जो लेट हो गया ना वो चला गया, बस उसका उसका जो खाली स्लॉट रहता ना वो किसी ने ऑलरेडी फील किया होता है। तो यंग स्टैंडर्स के बारे में जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन के बारे में नहीं, आपको मैं लाइन बोलूंगा, आपने वो लाइन बोलनी। ठीक है, बताओ बताओ। तुझे यारों में क्या भाई मिले? मुझे यारों में हमेशा शैतान मिलता है। ये दोनों शैतान है, मतलब ये दोनों शैतान। अंदर आ जाएं, अंदर आ जाएं। ये भाई आपके बारे में क्या कह, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये जो है असल में ये मेरा सगा भाई है। सगा भाई है? अच्छा, ये इंटरव्यू हम आपसे मिलेंगे। यंग स्टैंडर्स के बारे में जानते हैं आप? किसके बारे में? यंग स्टैंडर्स के बारे में। यंग स्टैंडर्स तला अंजुम तला यूनस? नहीं, उनके बारे में तो मैं नहीं जानता। आपका नाम क्या पहले? आपका नाम फैसल है। आप भी सवाद से हैं? जी, मैं सवाद से। फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी। तो ऐसा कोई शख्स जिससे आपने उम्मीद लगाई हो और वो ना आया? यार, उम्मीद जब लगाई जाती है ना तो फिर इंतजार नहीं होता है, वो मतलब आ जाती है ऐसे ही है। सही है, समझ मुझे नहीं आई आपकी बात की, लेकिन आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं ऐसा कोई शख्स है कि नहीं है? हाँ या ना? नहीं है, नहीं है। अभी आप देखो, आपने सुना होगा कि पठान से कभी मोहब्बत मत करना, वो बचपन से एंगेज होते हैं। नहीं। तो हमारा वही सीन है, हम दोनों बचपन से एंगेज्ड हैं। तो ये बात आपने मुझे पहले की? तो अभी बता दिया ना। तो ये आप मुझे पहले बताते, मैं आपसे ये सवाल ही ना करता। अच्छा, अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है ना तो वो हमसे उम्मीद ना लगाए। ठीक है जी। चाहे जो मिल गई है वो सबसे अच्छी है। और अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि कल भी आपका था, आज भी आपका हूँ और परसों भी आपका। आप आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सेम ही सेंटेंस मेरी तरफ से भी है। उगरा बोले ना, कल भी आपका था, आज भी आपका हूँ, परसों भी आपका। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मलक मुबीन। मलक मुबीन, क्या करते हैं आप? यहाँ पे बरिया यूनिवर्सिटी में आता हूँ। यंग स्टैंडर्स के बारे में जानते हैं? तलाजम तला यूनिवर्स के बारे में? मतलब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं आपको? नहीं जानता हूँ, बस मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे, तला अंजुम को नहीं जानते आप? नहीं नहीं, ये कैसे कह सकते हैं आप? बस मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है वैसे। हम अगर तला अंजुम मुल्क का वजीर आजम आ जाए, मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह? उठा ले रहे थे वाह। तला अंजुम की लाइन है, तुझे यारों में क्या भाई मिले, भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले। आपको ऐसे भाई मिले? मुझे नहीं मिले। नहीं मिले? नहीं मिले। सैड मोमेंट है, अकेले हैं जिंदगी में? हाँ बिल्कुल अकेले। किसी की ज़रूरत है आपको? है तो काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं, अगर किसी के पैगाम देना है कुछ भी, रुखसाना फरजाना खतीजा जो भी है, लाइफ पार्टनर कोई अच्छा सच्चे दिल वाला कोई मिल जाए, लाइफ पार्टनर चाहिए आपको? ये रहा नहीं जाता। लाइफ पार्टनर अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, भाई को लाइफ पार्टनर चाहिए। आपका इंस्टाग्राम व्हाट्सएप नंबर कुछ है? वो तो मैं इस्तेमाल नहीं करता, गुस्सा आया हुआ था, मैंने तोड़ दिया था। वेरी डेंजरस। हम पे तला अंजुम को पैगाम देते, बोल तला अंजुम आई लव यू। बोले तला अंजुम सुभाष लीफ आई लव यू। क्या नाम है आपका? अरे क्या करते हैं? आईटी। यंग स्टैंडर्स को जानते हैं? ऑब्वियसली, उसको कौन ही जानता है। क्योंकि फेवरेट लाइन आप मुझे अगर बता दे तो, फेवरेट गाना जो तला अंजुम तला यूनुस को, ऐसा गाना जो आपके दिल पे लगा? उसके अलावा अफसाने? अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ। क्या नाम है आपका? हारिस अब्दुल्ला। क्या करते हैं आप? मैं सब यही तो मतलब बोल रहा था। क्या ये क्या है? यंग स्टैंडर्स के बारे में जानते हैं? यंग स्टैंडर्स थोड़े बहुत सॉन्ग सुने हुए हैं। अच्छा, आपको मतलब पता है यंग स्टैंडर्स कौन है? जी। उनकी फेवरेट कोई लाइन आपकी, जो गाना आपके दिल पे लगा हो? मैंने ऐसी ऐसी सॉन्ग सुने हैं तो इतना याद नहीं, सॉन्ग नेम भी याद नहीं बिल्कुल। वो यंग स्टैंडर्स वाले फैन आप आ जाए, आप सुनते हैं यंग स्टैंडर्स को? हाँ जी, मेरे फेवरेट है। फेवरेट है आपके? हाँ जी। कौन सा वाला फेवरेट है? अंजुम फेवरेट है कि यूनुस फेवरेट है? अंजुम ज़्यादा फेवरेट है। अंजुम क्योंकि ऐसी लाइन जो आपके दिल में लगी हो, आप उससे बहुत रिलेट करते हैं। कोई एक लाइन तो नहीं है, हर सॉन्ग। चलें अपनी फेवरेट कोई लाइन सुना दे जो आपको याद हो, जो आपको
पसंद हो? ये सॉन्ग है आजमाले, आजमाले। हाँ जी वो अच्छा है। उसमें कोई लाइन, उसमें खासियत क्या है गाने की, ऐसी खासियत जो उसके दूसरे गानों से इसको अलग करती हो? मोटिवेशनल है, उसके अलावा अफसाने गाना है, उसकी एक लाइन अच्छी, यू एक्सपेक्ट मी टू बी परफेक्ट, आई एम जस्ट फुल ऑफ फ्लॉज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ। परफेक्ट तो कोई भी नहीं था दुनिया में, लेकिन मैं खामियों से भरा हुआ हूँ। लाइन है तला अंजुम की, सुनी होगी आपने। जी बिल्कुल, मशहूर जमाना गाना है ये, गुमान। आज फिर तू आई नहीं, आप बल्कि खुद आप ये लाइन खुद कंप्लीट करें। आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी। आगे बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी, तो आज वो आई है कि नहीं आई? नहीं आई। नहीं आई मतलब आप उसका वेट कर रहे थे? नहीं, वेट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो खुद भी नहीं है। उसने कहा था आऊंगी? उसने नहीं कहा। तो फिर वेट क्यों कर रहे थे? मैं नहीं कर रहा वेट। तो फिर आप क्यों कह सकते हैं वो नहीं है? आई नहीं ना। अच्छा, कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में है जिसे आपने बेपनाह उम्मीद लगाई हुई है लेकिन वो नहीं आ रहा? नहीं नहीं, कोई ऐसा अभी आप कह रहे हैं नहीं आई, झूठ बोल रहा है। हाँ वो आई नहीं ना, मुझे उससे उम्मीद नहीं है, अगर आए भी ठीक है ना भी आए तो कोई फर्क नहीं। अब सख लौटने लौटने बन चुके। अंजुम के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं भाई, आगे आ जाओ। थैंक यू तलहा अंजुम फॉर कीपिंग मी अलाइव विद योर सॉन्ग। मोहम्मद नसीम साहब के साथ हम बैठे हुए मानसेरा से आए हैं, क्या हाल है आपके? खैरियत है। क्या करते हैं आप? शटरिंग का काम है। शटरिंग का काम करते हैं। जिंदगी कैसी गुजर रही है आपकी? आप तलहा अंजुम के बारे में जानते हैं? तलहा अंजुम, तलहा यूनस, जोखे। आपको मैं लाइनें बोलूँगा, आपने वो लाइनें बोलनी है, ठीक है? तुझे यारों में क्या भाई मिले? तुझे यारों में क्या भाई मिले? भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले। भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले। ना ही मिले तुझे सांप तेरे रास्ते में। नहीं मिले तुझे सांप तेरे रास्ते में। सांप तेरे रास्ते में। तुझे जब भी मिले भाई बस दुआई मिले। तुझे जब भी मिले भाई बस दुआई मिले। भाई मिले। ओके साचे। बोल दे तलहा अंजुम। तलहा अंजुम। आई। आई। लव यू। के लिए मेरा यही पैगाम है कि एक कैंडिडेट को देखें, उसका कैंडिडेट इमेज जो है ना, उसको देखें कि वो आपके साथ पिछले 5 साल में वो किस तरह आपके साथ लिंक रहा है, उन्होंने कितनी हद तक आपके मसाइल हल किए हैं, और क्या वो फ्यूचर में भी आपके मसाइल हल करने की यकीन दानी करा सकते हैं। बेस के ऊपर लोगों को चाहिए कि एक अच्छे कैंडिडेट। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? थोड़ा ऊँचा बोले। सात साद खान। साद अकरम। आपकी शक्ल एक रैपर से मिलती है, साद खान। साद खान म्यूजिक। वेरी गुड। आप नहीं जानते लेकिन मैं उसको जानता हूँ, मैं आपको देख के। इसलिए क्या करते हैं? स्टूडेंट। आप तला अंजुम के बारे में जानते हैं? तला अंजुम, तला यूनस के बारे में क्या जानते हैं? पॉलिटिशियन है। मारने साले का खोपड़ी तोड़ दे। खोप। बिल्कुल बिल्कुल। काफ लीग से उनका ताल्लुक। काफ नहीं, नून लीग से। नहीं 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 नहीं। काफ लीग छोड़ दी उन्होंने, नून लीग से ताल्लुक है। तो क्या देखते हैं अगर तला अंजुम मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते हैं, किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान को? काफ़ी खुशहाली आ जाए। काफ़ी तला अंजुम की कोई ऐसी खास बात जो नवाज शरीफ और इमरान खान से उनको अलग करती है? करप्शन बड़ी अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके मतलब करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। तो नवाज शरीफ अच्छे तरीके से नहीं करते? पकड़े जाते। नहीं पकड़ेंगे बंदा पकड़ा कब जाता है? जब सलाखों के पीछे होता है। अब जैसे आपको हमने पकड़ा लेकिन अब हम आपको उस पर नहीं ला रहे कि हमने आपको किस चीज़ से पकड़ा है, यानी करप्शन नहीं पकड़ेगी। अब आवाम के सामने आप करप्शन अच्छे तरीके से करते हैं। तला अंजुम की कोई ऐसी लाइन जो आपके दिल पे छू गई हो? तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ रही। जिसे इमरान खान किया? प्लेजरिज्म आ गया। प्लेजरिज्म आ गया, क्या बात। ऐसी लाइन बताएं तला अंजुम की। नहीं नहीं, क्या सुनते हैं? नुसरत को सुनते हैं। चलिए नुसरत फतेह अली खान की कोई ऐसी लाइन जो आपके दिल को छू गई हो? ऊंचा 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 ऊंचा। देश का रोग ना ला बैठ, एक लाइन। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़रियाब अहमद। क्या करते हैं? नहीं तो BBA स्टार्ट है। तो यंग स्टूडेंट्स के बारे में जानते हैं आप? यंग स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा। क्या कौन है ये यंग स्टूडेंट? तलहा अंजुम, तलहा यूनस के बारे में जानते होंगे आप? नहीं नहीं। पाकिस्तान के मशहूर तरीन पॉलिटिशियन है ये। क्या क्या बोला तूने? आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? PTI। PTI क्यों? और आपको तला अंजुम, तला यूनस के बारे में नहीं पता? ज्यादा पे बुक से इस्तेमाल नहीं। अगर तला अंजुम या तला यूनस में जो कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, मुल्क का वजीर आजम आ जाता है, अच्छा तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं? PTI के हैं दोनों, क्योंकि बिल्कुल हो सकते हैं माशाल्लाह। पर्सनालिटी देखो, ये तला अंजुम नहीं है। हाँ। तला अंजुम तो पॉलिटिशियन है, मैं कह रहा हूँ। कैमरा मैन तो कोई और है। अच्छा। मैं कह रहा हूँ अगर तलहा अंजुम आ जाए प्राइम मिनिस्टर। आप इसे हार ला रहे हो कि तलहा अंजुम? मैं तलहा अंजुम वीडियो देख रहे हैं। तलहा अंजुम की एक मशहूर लाइन है,
तुझे यारों में क्या भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले, ना ही मिले तुझे शाम तेरे रास्ते में, तुझे जब भी मिले भाई बस दुआ ही मिले। आपको क्या ऐसे भाई मिले, ऐसे यार मिले जिनके दिलों में सफाई हो और आप उनके साथ बिल्कुल भाइयों वाला रिश्ता हो आपका, तो मिले या आप तन्हा है अपनी जिंदगी में? बिल्कुल तन्हा है, किसी की जरूरत, कोई हम सफर किसी की जरूरत हो आपको तो आप बोल सकते हैं। हवाएं खा रहे हैं हवाएं तो उड़ा भी रहे थे आप। ये फंस गया।